देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। किसका होगा राजस्थान, क्योंकि इस साल के आखिर में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के साथ साथ सभी दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। जल्द ही सभी पार्टियों की तरफ से सभी विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की जा सकती है। ऐसे में राजस्थान विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले पीएम मोदी ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। 2 अक्टूबर के मेवाड़ दौरे के मात्र 2 दिन बाद ही आज फिर से पीएम मोदी जोधपुर पहुंचे और सीएम अशोक गहलोत के गृह नगर जोधपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी हुंकार भरी। साथ ही कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ साथ सत्ताधारी कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरा। साथ ही पीएम ने लाल डायरी के बहाने गहलोत को आड़े हाथों लिया, तो वहीं राज कायम रखने का दावा कर रही कांग्रेस ने भी खास रणनीति बनाई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य के 8 लाख कर्मचारियों को लुभाने में लगे हैं और इनका भरोसा जीतकर एक बार फिर चुनाव जीतने की तैयारी में है। देखने वाली बात अब ये होगी कि क्या सभाओं से खिलेगा कमल या योजनाओं के दम पर राजस्थान में लगेगी हाथ पर मोहर। हम आज इसी चुनावी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन इससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री गहलोत ने क्या कुछ कहा। इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए, सब खुलकर के बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, हिसाब चुकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बेईमानों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताइए, क्या कांग्रेस सरकार लाल डायरी के राज खुलने देगी क्या, सामने आने देगी क्या? अगर ये सच जानना है तो कौन चाहिए, ये कौन चाहिए? भाजपा सरकार लानी होगी। भाजपा सरकार बनाना जरूरी है, हमेशा आए, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका अधिकार है। पर ये सरकारी प्रोग्राम कर करके 6,000 करोड़ का मैंने शिलान्यास कर दिए, उद्घाटन कर दिए, वो करते रहते हैं, काम पूरे होते ही नहीं है। नेता बने नहीं, उसके पहले उद्घाटन बिकाने में कर दिया करके। और दूसरा, उन्होंने 6,000 किया, मैंने 12,000 करोड़ किया। बात यह है, तो कहने का मतलब यह कि प्रधानमंत्री जी की अप्रोच जो है वो बिल्कुल ही चुनावी मोड के अंदर है। वो खाली आपको मालूम है, मैंने सुना है, पता नहीं सच्चाई की गलत है, वो खाली प्रधानमंत्री अकेले जाएंगे। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के अंदर कोई मंत्री की जरूरत नहीं, और मंत्रियों की जरूरत नहीं। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रतिष्ठा यादव जी, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो जुड़ी हुई है। और थोड़ी देर में हमारे साथ पूजा कपिल मिश्रा, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी की, वो भी जुड़ जाएंगी, उनका भी हम रुख करेंगे। सबसे पहले प्रतिष्ठा यादव जी, आपके पास आते हैं और समझना चाहते हैं कि मौजूदा वक्त में देखिए, जिस तरीके से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, वो जा रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी की ही सरकार आएगी, लेकिन अब आकर के ऐसा लग रहा है चुनाव में मोदी वर्सेज गहलोत हो गया है। क्या लग रहा है आपको, कितनी कड़ी टक्कर गहलोत के सामने मोदी रहे? कोई टक्कर नहीं है, मोदी का पूरा सच देश ने देख लिया है कि ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। इनकी कथनी और करने का पूरा फर्क है। सिलेक्टिव राजनीति करते हैं, जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर ही जाते हैं, उसके अलावा कहीं जाते नहीं है। 5 दिन हुए हैं, 5 दिन में, इस महीने के 5 दिन में दूसरा दौरा है, तो ये चीजें दिखा रही है कि बौखलाहट में कौन है, बीजेपी कितनी घबराई हुई है और डरी हुई है, कि क्योंकि अमन ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार ने दी, उनसे इनके इनके होश उड़े हुए हैं कि ये लोग वापस से सत्ता के अंदर आ रहे हैं। कोई एंटी इनकम टैक्स नहीं है, पूरी आम आदमी राजस्थान का, राजस्थान की सरकार के साथ खड़ा है। खड़ा भी क्यों ना हो, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, मुखिया ने गरीब के घर में संकट के समय में एक आम आदमी का बेटा बनकर राजस्थान की जनता की सेवा की है 5 साल तक, तो निश्चित रूप से सरकार के पक्ष में माहौल है। और घबराहट में बीजेपी है, जिससे वो ताबड़तोड़ रैलियां और अनाप शनाप झूठ झूठ पर झूठ बोले जा रही है। मोदी का मतलब ही है कि झूठ की गारंटी, जुमलों की गारंटी मोदी का मतलब है, बाकी इसके अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। जिन चीजों की वो बात करते हैं वो कोई तथ्यात्मक नहीं होती।
धरातल पर बात नहीं करते। जब 2013-14 के अंदर ये लोग सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन महंगाई कितने चरम पर पहुंच गई ये पूरे देश ने देखा है। और दूसरी बात रही कि इन्होंने जो उस टाइम दो, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से पीएम मोदी लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी भी अपनी रणनीति बदलने की सोच रही है और बदल भी रही है कई जगह पर। अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा पीएम मोदी के दौरे से तो फिर रणनीति बदलने की क्या जरूरत है? हम कोई रणनीति नहीं बदल रहे, हमारी रणनीति अपनी है और उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं और इनके हर जो गलत कदम है उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस पूर्ण रूप से अपने काम के माध्यम से जो अच्छी योजनाओं के माध्यम से तैयार है। और ये तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने भी गए दिनों राजस्थान में कबूल किया कि राजस्थान सरकार की जो अच्छी जनहितकारी योजनाएं हैं उनको हम चालू रखेंगे। इसका मतलब वो भी मानते हैं कि राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं वो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और उनको चालू रखना ही जरूरी है। लेकिन क्योंकि जिस तरह से वादे किए इन्होंने वो एक भी पूरा नहीं किया तो इससे इन पर भरोसा करना इस पूरे देश के लिए बहुत मुश्किल है कि वादा खिलाफी तो बीजेपी करती है, बाद में कहती है कि वो तो चुनावी जुमले थे, तो ये इनकी बातों पर भरोसा कौन करेगा जब इन्होंने पहले के वादे ही पूरे नहीं किए। तो लेकिन राजस्थान में भी कहा यह जा रहा है बीजेपी जो है वो एमपी वाला फॉर्मूला लागू करने जा रही है। और अब ऐसे में अगर राजस्थान भी तमाम लोग पहुंचेंगे, सांसद पहुंचेंगे, वहां पर मंत्री सांसद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो आप लोगों की ऐसे में क्या तैयारी है? क्या आपके यहाँ से भी ऐसा कोई प्लान? एमपी की बात आप कर रहे हो तो एमपी में तो पिछली बार भी हमारी सरकार बनी थी, इन्होंने चुनी हुई सरकार। राजस्थान पूछ रही हूं, अगर वो वाला फॉर्मूला यहाँ लेकर आते हैं तो उसकी काट आपके पास क्या है? हमने तो इनको वो फॉर्मूला, इन्होंने राजस्थान में सरकार को गिराने का पूरा प्रयास किया था और उसको इनका मुंह तोड़ जवाब भी दिया और आगे भी पूरा राजस्थान सरकार पूरे इनके हर जो गलत इरादे हैं उनको नाकाम करने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। ये जितनी चाहे साजिशें रचे लेकिन राजस्थान की जनता अच्छे से जान गई है कि राजस्थान की जनता की सेवा का भाव किसके मन में है और राजस्थान के अंदर केवल जुमलेबाजी कौन कर रहा है। तो ये राजस्थान की जनता बहुत समझदार है और वो समझदारी से ही वोट करेगी, इसमें कोई लेकिन नहीं। लेकिन पीएम मोदी जब जाते हैं संबोधित करते हैं जनता को तो पीएम मोदी वहां पर कई बातें कहते नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने राजस्थान की जो साख है उसको बर्बाद करके रख दिया है। वो कहते हैं कि अपराध में राजस्थान टॉप पर है, दंगे पत्थरबाजी में राजस्थान नंबर वन पर है, बीजेपी आएगी तो दंगे रुकवाएगी। उन्होंने हरियाणा में रुकवा दिए क्या दंगे? यूपी में रुकवा दिए क्या दंगे? जहां उनकी सरकार है वहां दंगों की क्या सिचुएशन है पूरा देश देख रहा है, वहां क्यों नहीं रोक लेते? राजस्थान में रोकेंगे, राजस्थान के अंदर करेंगे, या हरियाणा में कहां दिक्कत आ रही थी उनको, वहां क्यों नहीं रोके? उन्होंने क्या किया हरियाणा के दंगों का? वो चीजें भी तो बताए ना देश को, जहां सरकार है वहां कुछ करना नहीं है। मणिपुर के अंदर क्या हुआ, बहनों का किस तरह से अपमान किया, एक शब्द तक बोलने के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान की इनको चिंता सता रही है, मणिपुर जैसी शर्मनाक घटना मेरे ख्याल इतिहास में कभी नहीं घटी कि इस अवस्थाओं में महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया। ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली बात थी, लेकिन शर्म तब करते थे क्योंकि इन लोगों को तो झूठ और झूठी बोलना है, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। लेकिन इनकी जो जो मनसा है जो राजस्थान को लेकर, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर मणिपुर जैसा सिचुएशन बनाना चाहते हैं, लेकिन हम वहां इनको कामयाब नहीं होने देंगे। जो देश के अंदर जो हमारी बेटियां हैं उनके साथ ये नहीं खड़े हुए, अपराधी के साथ ये खड़े रहे, उसको बचाने का कवायद किया, FIR दर्ज कराने तक के लिए संघर्ष करना पड़ा देश की उन बेटियों ने जिन्होंने इस देश को मेडल दिलाया, देश को सम्मान दिलाया था, उनके साथ भी इस तरह का सलूक जब भारत सरकार ने किया तो ये पूरे देश ने देखा कि कह कुछ रहे हैं। जहां इनकी सरकार नहीं है वहां पर इनको सब कुछ दिखता है, लेकिन जहां सरकार है वहां कुछ करने वाले नहीं है। ये इनके जो छलावे की राजनीति है उसका पर्दाफाश हो चुका है और अब इन पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी या फिर वो जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर है इस पर चुनाव लड़ेगी, या फिर सबसे पहले उसकी कोशिश होगी कि आपस में ही जो रार मची हुई उसको खत्म किया जाए? हमारे कोई रार नहीं है, सारी रार खत्म हो चुकी है और क्योंकि हमने टाइम से तैयारियां की है हर चीज के लिए और मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, हमारे काम को लेकर हम जाएंगे कि 5 साल तक जो जनता की सेवा की है, जो राजस्थान के एक एक व्यक्ति के पास जाकर सरकार ने उससे पूछा है कि उसको क्या चाहिए और जो जनता ने चाहा, जो मांगा हर बजट के अंदर, हमारा जो पिछला घोषणा पत्र उससे लेकर और जितने भी बजट आए सब में जनता की राय लेकर हमने काम किया, जनता के
दिल की भावना को समझकर काम किया, ना कि अपनी भावना जनता के ऊपर थोपी, ये हमारी सोच नहीं है। तो जनता की सचिन पायलट और अशोक गहलोत भी एक दूसरे की भावना को समझ पा रहे हैं, पूरा समझ पा रहे हैं। आपके सामने खुद पायलट साहब भी बोल रहे हैं, आपको अगर वो सुनाई नहीं दे रहा तो वो अलग बात है, और लेकिन इनके इनके तो यहाँ 10-10 चेहरे हैं जो सीएम के फेस बने घूमते हैं। पूर्व जो मुख्यमंत्री है उनके साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है, उनको पीएम की सभा में बोलने तक का मौका नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, ठीक है प्रतिष्ठा जी, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से इस वक्त पूजा कपिल मिश्रा जी भी जुड़ चुकी है, जो की बीजेपी की प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका। पूजा जी कितनी खास तैयारी आपकी, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी के लगातार ताबड़तोड़ दौरे जो है वो शुरू हो रहे हैं, क्या लग रहा है कुछ कमी रह रही है वहां के स्थानीय नेताओं में जो पीएम मोदी को जाना पड़ रहा है? नेता जी मैं आपको ये बताना चाहूंगी और कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिष्ठा जी को, भारतीय जनता पार्टी वो संगठन वो पार्टी है जो 24 घंटे काम करते हैं। हम केवल और केवल चुनावों के लिए नहीं, हम 24 घंटे 12 महीने हम लोगों के बीच में संगठन एक मजबूती से काम करता है। ये वो संगठन नहीं है जो सत्ता के लिए चलता हो। और रही उसके बाद पीएम पूरे देश के नेता है और हमेशा से प्रधानमंत्री पूरे देश के, हमेशा से प्रदेशों में जाते रहे, हमारी परिपाटी रही है। हम लोग केवल उस परिवार विशेष के लोग नहीं, हम कर्मठ कार्यकर्ता लोग हैं, जनता के लिए इस संगठन को चलाना, राष्ट्रवाद के लिए, भारत माता की सेवा के लिए चलाते हैं। तो हम हमेशा लोगों के बीच रहते हैं और कार्यकर्ता रूप में, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे मंत्री हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई कॉमन कार्यकर्ता, हम हमेशा बूथ लेवल पर काम करने के आदी रहे हैं। हम वो बरसाती फसल की तरह काम नहीं करते कि चुनाव आया तो अब नेताओं को घरों से निकलना है और काम करना है। प्रतिष्ठा जी, आपने सुना पूजा जी, वो साफ ये कह रही है कि सत्ता के लिए हम कोई काम नहीं करते, और आप उनकी इस बात पे बहुत मुस्कुरा रही थी। मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि इनकी कथनी और करने में पूरा फर्क है। देश के प्रधानमंत्री 24 आवर बीजेपी के स्टार प्रचारक ही बने रहते हैं, ये पूरा देश देख रहा है। उन्हें केवल और केवल स्टार प्रचारक की भूमिका को बहुत बखूबी निभाते हैं। देश के प्रधानमंत्री के क्या क्या काम होते हैं वो उनको ध्यान नहीं है। ये आरपीसी का मुद्दा लेकर पूजा कपिल जी आरसीपी के राष्ट्रीय परियोजना घोषणा की घोषणा करेंगे, ये आपके प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री बोल के आए थे। लेकिन ईआरसीपी पे क्या हुआ, राजस्थान के लिए क्या न्याय किया? दूसरी बात है कि बार बार लाल न्याय गारंटी को पूरा विश्व जान रहा है। अब तो देश की बात छोड़िए, कांग्रेस के लोगों में जो पूरा विश्व जानता है कि मोदी मतलब झूठ की गारंटी, मोदी मतलब झूठ की गारंटी, मोदी मतलब जुमलों की गारंटी, मोदी मतलब केवल झूठ झूठ और झूठ। ये पूरा देश पूरा विश्व देख रहा है आप कि झूठे प्रधानमंत्री कहे दुनिया के अंदर नहीं है। ठीक है पूजा जी और प्रतिष्ठा यादव जी एक मिनट, आप दोनों ने आज वो कहावत बिल्कुल सही साबित कर दी कि दो महिलाएं जहां बैठ जाएं वो चुप नहीं रह सकती। एक एक करके ठीक है पूजा जी, मैं नहीं बोली थी, ठीक है आपने देखा हो पूजा जी बोल रहे थे, मैं उनको सुन रही थी, लेकिन मैं बोली तो वो बीच में बोले, वो उनकी अपनी हैबिट है, क्योंकि बीजेपी किसी को सुनना ही नहीं चाहती, केवल बोलना ही चाहती है। ठीक है पूजा जी, ऐसे में देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार ये कह रही है कि हम इतनी बेहतर योजनाएं लेकर आए हैं, हमने राजस्थान का बहुत ज्यादा विकास किया है, तो उन योजनाओं वो योजनाओं को घर घर तक भी पहुंचा रही है कांग्रेस पार्टी, उन योजनाओं की काट कैसे बीजेपी करेगी? निदा जी क्या योजना लेकर आए हैं, तो वो दिया राजस्थान को, राजस्थान को बर्बाद कर दिया राजस्थान को लगातार। मेरी बहन कृष्णा जी, यहाँ आपकी मैं आत्मा को थोड़ा सा जगने की बात कहूंगी, लगातार 3 साल महिला बलात्कार में नंबर बने राजस्थान, अभी अभी आपकी राजधानी के अंदर आपकी आत्मा नहीं जगजोरती पूजा जी, आपने बोला अभी अभी 25 किलोमीटर पूरी परी इसी कैपिटल में हमारी एक बहन की लाश मिली, उसका सर जला हुआ मिला, उसका चेहरा पूरा जला दे, पूरी बॉडी जला दी थी कि कोई पहचान ना पाए। आप क्यों उस पूरी बहन लड़की को भूल रहे हैं, क्यों आप उसने भट्टी में जिसको गैंगरेप करके उस नाबालिग को जला दिया, क्यों आप उस 6 महीने की बच्ची को भूल रहे हैं, क्यों आप उस पत्नी के साथ घूमने जाती हुई महिला को भूल रहे हैं, आप लगातार निरंतर ऐसे टक अटैक हो रहे हैं, क्यों आप गैंगवारी को भूल रहे हैं, क्यों आप तुष्टिकरण की नीति को भूल रहे हैं, क्यों आप युवा पेपर जो लेख युवाओं के लिए जो पेपर देने जाता है वो पेपर लगातार टिक रहा है, कहाँ है कानून व्यवस्था, कहाँ है किसान, आपकी जवाब कर गए। ठीक है जवाब ले लीजिए प्रतिष्ठा यादव जी, जवाब देना चाह रही हैं आप, पूजा जी जवाब सुन लीजिए। आपकी सरकार केवल सत्ता और सत्ता को बचाने के लिए रिजोर्ट और होटलों में घूमती रही,
आपको 6 महीने में योजना याद आ रही है? अरे आप राजस्थान की जनता को क्या समझते हैं? बेवकूफ समझते हैं? ठीक है, समझदार है, बहुत समझदार है, जानती है। पूजा जी, पूजा जी, अब आपने पूजा जी इतनी बातें कही हैं तो जवाब भी सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए। वो बताएंगी कि उनकी सरकार किन किन होटल में क्या कर रही थी, इतनी देर से क्यों जागी, जवाब सुन लीजिए जी। निदा जी, पूजा जी, जवाब सुन लीजिए, आपने इतनी बातें कही, अब जवाब भी सुन लीजिए जी। इन्होंने कहा ना योजना लेकर, उसमें आपके भी विषय का और इनके विषय का भी जवाब दे रही हूँ। योजना निदा जी, साढ़े चार साल यही बोलेंगे का जवाब, आप सुनेंगे नहीं मुझे की आपने कहा कि मैं इनके बीच। ठीक है पूजा जी, पूजा जी एक सेकंड, ठीक है, किस तरह की डिबेट करना। ठीक है ठीक है ठीक है, बोलिए बोलिए प्रतिशा जी, आप बोलिए क्या जवाब है पूजा जी की इन बातों का तमाम, कि कहाँ है वो योजना। मैं इनकी बातों का जवाब दे रही हूँ, लेकिन मैं इनसे एक निवेदन कर रही हूँ कि आप जो भी बोले मैंने पूरा धैर्य से सुना, ठीक है, तो थोड़ा धैर्य रखिए, आप भी मेरी बातों को सुनिए, बीच में बोलने से ना आपकी बात सुनेगी किसी को ना मेरी। वो सुन रही है आपको, आप बोलिए, वो सुन रही है आपको, बोलिए जी जी। मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने जो भी इतनी बातें बोली है, आपका आत्मा मणिपुर में झकझोर थी, क्यों नहीं आपके आंसू मणिपुर की बहनों के, वो भी इस देश की बेटियां हैं, और जहाँ पर आपकी सरकार है वहां पर आपके आंसू क्यों नहीं निकलते। यूपी के अंदर जहाँ पुलिस प्रोटेक्शन में रेप के बाद पीड़िता को जला दिया जाता है, पुलिस और जो आपकी सरकार है वो रेपिस्ट के साथ खड़ी नजर आती है। हमारी सरकार ने, हमने किसी को नहीं बख्शा, जिसने गलत किया उसको सजा दी। राजस्थान पूरे देश के अंदर सजा देने में नंबर वन पर है, ये बात आप क्यों नहीं बोल रहे? जिसने गुनाह किया उस हर व्यक्ति को सजा दी। पेपर लीक के अंदर हम ही थे जिन्होंने कार्रवाई की, अगर हमारे हमारी पार्टी का भी कोई व्यक्ति था तो हमने उसको नहीं बख्शा, गलत व्यक्ति को हर व्यक्ति को सजा दी। आपके गुजरात के अंदर 28 बार पेपर लीक हुए, आपने एक सिंगल व्यक्ति को अगर पकड़ा हो तो इस देश को बता दीजिए कि हमने ये पकड़ा है, हमने कानून के अंदर संशोधन किया जो नकल के गिरोह है उन पर शिकंजा कसने के लिए कि उनको आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक की सजा हम दे रहे हैं। ये राजस्थान ही इस देश के अंदर नंबर एक पर है, क्योंकि गहलोत साहब का जो मंत्र है वो 0% टॉलरेंस का है, किसी भी अपराधी को नहीं बचाया जाएगा। लेकिन आप अपराधियों को बचाने के लिए अपराधियों के साथ खड़े होते हैं, इस अपने चरित्र को बताइए कि आप चाल और चलन चरित्र में कितना फर्क है। राज्य के मान सम्मान सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता से काम करती है भारतीय जनता पार्टी। मैडम प्रतिष्ठा जी, पहली बार ये देश में गृह मंत्री लगातार 3 दिन तक मणिपुर के कैंप कैंप में घूमे, सब जानते हैं 3 साल के समुदाय की वो है, लेकिन मेरी संवेदना, मेरी पार्टी की संवेदना हर एक बहन के साथ है, ये कहीं नहीं होना चाहिए। आप यूपी की बात करो चाहे उसकी बात करो, राजस्थान से मत बचिए। यूपी के शासन का ये कमाल है कि सारे गुंडों ने शरण की राजस्थान को बना रखा है। धुआंधार फायरिंग होना, लोगों की हत्याएं होना, आपको पता है 7,500 निर्दोष लोग मारे चुके हैं। ये राजस्थान जो शांति प्रिय राजस्थान होता था, मुख्यमंत्री यहाँ के, गृह मंत्री कानून व्यवस्था के मुखिया है, कानून व्यवस्था संभालने वाले हैं, उनके काल में किसी अपराधी को डर भी नहीं रहता, लगातार महिलाओं पे अपराध होते जा रहे हैं। ठीक है, वक्त कम है, वक्त कम है, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं ठीक है। पूजा जी एक फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ते हैं फाइनल, क्योंकि वक्त कम है। प्रतिष्ठा यादव जी, मैं बस इतना समझना चाहती हूँ, चुनौतियां बहुत हैं आपके आपसी जो लोगों में रार है उसकी भी चुनौतियां हैं, प्लस कैसे हमें अपना ये राज कायम रखना है इसकी भी चुनौतियां हैं। ऐसे में आप किस रणनीति के साथ विधानसभा चुनाव में जाने वाले हैं ताकि बीजेपी को आप पटकनी दे पाए, पहली बात। हमारी योजनाएं उनके दम पर ही हम जाएंगे, जो हमने जनता की सेवा की है, और कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, जनता जान चुकी है कि ये लोग कहते तो कुछ है, करते कुछ अलग है। हमने 0% टॉलरेंस की नीति को अपनाया है गहलोत सरकार ने, और हमारे जो प्रदेश के मुखिया है वो बहुत ही संवेदनशीलता से हर मामले को उन्होंने हल किया है, हर दुखी के साथ खड़े होकर सजा दी है, हर विक्टिम के साथ खड़े हुए और जो अपराधी थे उनको सजा दी है, इनके तरह अपराधियों को बचाने में नहीं लगा, ये पूरे देश ने देखा है। इन्हीं योजनाओं को लेकर हम जाएंगे और हमारी पार्टी के अंदर। पूजा कपिल मिश्रा जी फाइनल कमेंट, आप लगातार परिवर्तन यात्रा के जरिए भी परिवर्तन की बात कह रही है कि परिवर्तन होगा, कैसे समझा पाएंगे लोगों को कि मौजूदा सरकार जो है वो उनके लिए अच्छी नहीं है और आप जो आएंगे वो सब अच्छा हो जाएगा। पूजा जी को सुन लीजिए पूजा जी को, ठीक है ठीक है ठीक है। पूजा जी जल्दी से फाइनल कमेंट, पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है और कांग्रेस किस तरह झूठ और भ्रष्टाचार पर रहती है,
और निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता ने परिवर्तन का सोच लिया है, तब तो आप देखिए ना इनके कितने लोग गया फोन। बिल्कुल ठीक है, तो आप दोनों मेहमानों का, प्रतिष्ठा यादव जी आपका भी, पूजा कपिल मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल समझने की कोशिश यही थी कि आखिर किसका होगा राजस्थान, क्योंकि बहुत जल्द राजस्थान में विधानसभा के चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां जो है वो अपनी अपनी ताल ठोक रही है, हर कोई जीत का दावा कर रहा है। देखना होगा कि जनता का भरोसा आखिर किस पर कायम रहता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।